क्षेत्रम यत्र विहाय शी प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरी यो देवदेवो महान् चित्रं नात्ति करोति कस्य मनसा दष्टापुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहां अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो जरा देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। संसार में हर आदमी के हृदय में ज्ञात अज्ञात दो प्रकार के डर होते हैं। ज्ञात डर आदमी के सामने स्पष्ट रहता है, अज्ञात डर मन ही मन होता है। और इस अज्ञात डर के कारण से आदमी जो होता है कुछ अलग डिप्रेशन में, चिंतन में, चिंता में फंस जाता है। आज हम आपके लिए एक बात बता देना चाहते हैं कि सप्त भय विपमुक्का आचार्य कुंद देव ने कहा है कि जो सात भयों से मुक्त होता है वही सच्चा सम्यक दृष्टि हो सकता है। जो भयों से युक्त होता है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जिसके भय होते हैं वो सत्य का कभी कथन नहीं कर सकता। जिसके भय होता है वह न्यायशील पथ पर नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि आदमी डर के कारण से न्याय के पथ को छोड़ देता है। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पकड़ने पावे। न्याय मार्ग से यदि कोई आदमी च्युत हो जाता है, सत्य से च्युत हो जाता है, अपने सम्यक दृष्टन को नष्ट कर देता है, तो एकमात्र उसके कारण दो हैं, भय और लालच। इसलिए आचार्य उन्होंने जब सम्यक दर्शन के आठ अंगों की बात की तो सबसे पहले उन्होंने निशंकित अंग सामने रखा, इसके बाद निकांचित। निशंकित अंग ये कहता है कि भय से मुक्त होकर के आप अपने तत्व का चिंतन करिए, आप अपने तत्व को स्वीकार करिए भय से मुक्त होकर के, क्योंकि भय जो होता है आदमी को अस्थिर कर देता है, आदमी की सोच को अस्थिर कर देता है, कभी वह अपनी भाषा स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता है जो डरता है। इसलिए वह भयभीत व्यक्ति न स्वयं के लिए न्याय प्राप्त कर पाता है, न दूसरे के लिए न्याय दिलवा पाता है, क्योंकि वह भयभीत होता है। लेकिन जिसने न्याय पथ के लिए सोचा है वह सबसे पहले यह बात तय कर लेता है कि हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, हम किसी से डरेंगे नहीं, क्योंकि आदमी के सामने डर सात प्रकार के जो होते हैं उनमें सबसे पहले डर होता है, इस लोक का डर, लोग क्या कहेंगे, हमारे मित्र हमसे छूट जाएंगे, हमारे रिश्तेदार हमसे छूट जाएंगे। इन्हीं आधार पर व्यक्ति जो होता है अपनी बात स्पष्ट नहीं कह पाता है, स्पष्ट रूप से तत्व को स्वीकार नहीं कर पाता है, अतत्व को भी स्वीकार करने लगता है, जो तत्व नहीं उसे भी स्वीकार करने लगता है। दूसरे नंबर फिर परलोक भय, इस लोक भय के बाद अब हमारे लिए कोई भय प्रकार के दिया जाता है, क्योंकि तुम्हारा भाव बिगड़ जाएगा, तुम्हारे लिए ईश्वर क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारे लिए इस प्रकार से करने पर बहुत सारी बातें हो जाएंगी, तो आदमी उस डर के कारण से सत्य तत्व को स्वीकार नहीं कर पाता है। इसके बाद मरण भय, वेदना भय, मरने का हर आदमी को डर लगा रहता है कि मैं मर ना जाऊँ, लेकिन जिसको जीवन मिला है उसे मरना जरूर पड़ेगा, तो मरने से हमें डरना नहीं चाहिए। और वेदना भय, पीड़ा होगी, ये पीड़ा हर जगह हो सकती है, जब कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय आता है तो पीड़ा आदमी को अपने आप मिलती है। फिर अगुप्ति भय, हम कहाँ छुप करके, अनरक्षा भय कि हमारे लिए रक्षा करने वाला कोई नहीं है, हम कहाँ छुपें। इस तरीके से सात भय जो होते हैं, इन भयों से ऊपर उठ करके जो सोचता है, चिंतन करता है, जो ऊपर उठ करके काम कर लेता है, वही सही मायने में सम्यक दृष्टि हो सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि न्याय के पथ पर बढ़ने वाला ही सम्यक दृष्टि होता है। जिसे तत्व और अतत्व का पूर्ण रूपेण ज्ञान रहता है, को तत्व का ज्ञान रहता है, देव को देव का ज्ञान रहता है, शास्त्र को शास्त्र का ज्ञान रहता है, जिसके लिए
मंदिर में बैठ कर के मंदिर में भक्षा भक्ष का ज्ञान भी होता है, वही मंदिर जाने का सार्थक होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने तत्व को समझ लिया है, वह तत्व को समझने वाला व्यक्ति भयों से ऊपर उठकर सम्यक दर्शन की बात करता है और वही सच्चा सम्यक दृष्टि बनता है।